दोस्तों, कल्पना करते हैं कि आप आराम से अपने घर में बैठकर हमारे इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि आप इस समय स्टेबल हैं या मोशन में, तो आपको मेरा सवाल बेहद ही बचकाना लगेगा और आपका जवाब होगा कि इस समय आप स्टेशनरी यानी स्थिर हैं। पर मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब गलत है। भले ही आपको अपने आसपास के वातावरण को देखकर लगता है कि आप स्टेशनरी यानी स्थिर हैं, पर असल में आप और हम बेहद ही तेज गति से इस विशाल स्पेस में हमारी पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। हमारी धरती करीब 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही यह अपनी धुरी पर घूमते हुए करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। वहीं हमारा सूर्य और यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा भी बेहद ही तेज गति से इस विशाल ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इसे और अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे हमारी धरती, हमारा सूर्य और हमारी आकाशगंगा इस विशाल ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है और क्या होगा अगर हमारी धरती घूमना बंद कर दे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर जब हम एक जगह पर खड़े या बैठे रहते हैं, तब हमें लगता है कि हम स्टेशनरी यानी स्थिर हैं। और ये सही भी है, क्योंकि आपके आसपास मौजूद वातावरण या आपके साथ मौजूद किसी व्यक्ति के रेफरेंस में आप कोई मोशन करते हुए नज़र नहीं आते। पर वहीं स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट के अनुसार आप पृथ्वी के साथ बेहद ही तेज गति से मोशन कर रहे होते हैं। ये सब आपने रिलेटिव मोशन में पढ़ा ही होगा, जिसके अनुसार मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे ट्रेन में आपके साथ बैठे आपके दोस्त आपको स्टेशनरी यानी स्थिर नजर आएंगे, पर वही ट्रेन के बाहर मौजूद किसी व्यक्ति को आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोशन करते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही पृथ्वी में मौजूद हमारे साथ भी होता है। हमारे आसपास मौजूद वातावरण के अनुसार हम स्थिर हैं, पर वहीं कॉस्मिक रेफरेंस में हम बेहद ही तेज गति से मोशन कर रहे होते हैं। पर आखिर यह स्पीड कितनी है, इसे जानने के लिए हम अपने सफर की शुरुआत हमारे पृथ्वी से करते हैं। हमारी पृथ्वी तेज गति से अपनी धुरी पर घूम रही है, लेकिन यह किस स्पीड में घूम रही है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पृथ्वी के किस हिस्से में मौजूद हैं। नासा के अनुसार अर्थ का सरकमफेरेंस यानी कि इसके सबसे बड़े लैटिट्यूड का पेरीमीटर लगभग 40,070 किलोमीटर है। आसान शब्दों में इसे हम इक्वेटर भी कह सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम अर्थ की स्पीड निकालने के लिए स्पीड के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जिसका जवाब लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। मतलब कि इक्वेटर पर स्पीड लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर होती है। हालांकि आप दूसरे लैटिट्यूड में इतनी तेजी से रोटेट नहीं करते। मान लीजिए आप 45 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ या साउथ की स्पीड निकालते हैं, तो वहां रोटेशनल स्पीड करीब 1180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ पोल की ओर तरफ बढ़ते जाएंगे, यह स्पीड कम होती चली जाएगी, और जब तक आप उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों पर पहुंचते हैं, तब आपकी स्पिन वास्तव में बहुत धीमी हो चुकी होती है। पर पृथ्वी केवल अपनी धुरी पर ही नहीं घूम रही, अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ यह दूसरे ग्रहों और सोलर बॉडीज की तरह बेहद ही तेज गति से सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिनों का समय लगता है, जिसे हम एक अर्थ ईयर कहते हैं। कैलकुलेशंस के अनुसार हमारी पृथ्वी करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगा रही है, जो कि बेहद ही ज्यादा है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे सौरमंडल का मुखिया यानी कि हमारा सूर्य, जिसका चक्कर हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह और सोलर बॉडीज लगाते हैं, वह भी तेज गति से स्पेस में मोशन कर रहा है। हमारा सूर्य, इस आकाशगंगा में मौजूद अरबों तारे हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगाते हैं, जिसे सजिटेरियस ए स्टार भी कहा जाता है। हमारा सूर्य हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर से करीब 25,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में हमारा सूर्य करीब 7,20,000 प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे आकाशगंगा के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। सूर्य को हमारे आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में करीब 230 मिलियन सालों का समय लग जाता है, जिसे एक गैलेक्टिक ईयर भी कहा जाता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान समय में हमारा सूर्य अपनी आधी दूरी पूरी भी कर चुका है। वहीं हमारी आकाशगंगा मिल्की वे
जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है और करीब 1,00,000 लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, वह भी हमारे लोकल ग्रुप में मौजूद दूसरे आकाश गंगाओं की तुलना में मोशन करती हुई नजर आती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 4,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले करीब 4 बिलियन सालों में ये दोनों आकाशगंगा एक दूसरे से टकरा जाएंगे और एक विशालकाय मेगा गैलेक्सी का निर्माण होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्टेशनरी यानी स्थिर नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एक स्मॉल एटम से लेकर कई लाइट ईयर्स विशालकाय आकाशगंगा सब कुछ मोशन में है। पर ऐसे में सवाल यह है कि अगर पृथ्वी इतनी तेज गति से अंतरिक्ष में घूम रही है तो हम सब अपनी जगह पर फिक्स कैसे हैं? क्यों पेड़ और इमारतें अंतरिक्ष में नहीं बह जातीं? और क्या होगा अगर हमारी धरती अचानक घूमना ही बंद कर दे? भले ही हमारी पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में और हमारे सूर्य के इर्द गिर्द बहुत तेजी से घूम रही है, लेकिन इतनी तेज गति होने के बावजूद भी ऐसा होना नामुमकिन है कि आप सभी अंतरिक्ष में बह जाएं। इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का विशालकाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि पृथ्वी की स्पिनिंग स्पीड की तुलना में बहुत मजबूत है। इस मोशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। यह हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बेहद ही कमजोर फोर्स होता है। इसका सबसे ज्यादा असर इक्वेटर्स में होता है, जहां इसकी वैल्यू 0.3 होती है, पर वहां भी इसका असर बेहद ही कम नजर आता है। इक्वेटर्स में भी आपको दूसरे जगहों की तुलना में थोड़ी कम ग्रेविटी के अलावा ज्यादा कुछ महसूस नहीं होगा। वहीं अगर हम दूसरे सवाल की ओर जाएं कि अगर हमारी पृथ्वी अचानक घूमना ही बंद कर दे तो क्या होगा? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार आने वाले कई बिलियन सालों में ऐसे कुछ होने की संभावना नहीं है, पर अगर हम थियोरेटिकली इस संभावना के नतीजों पर नजर डालें तो इसका हमारी धरती पर बेहद ही खतरनाक असर होगा। पृथ्वी के अचानक ही घूमना बंद कर देने के बाद भी कुछ देर तक इसका एटमॉस्फेयर और वहां मौजूद सभी चीजें मोशन में रहेंगी, जो कि जमीन को छोड़कर आसमान में उड़ने लगेंगी। चाहे हम बात करें विशालकाय बिल्डिंग्स की, पेड़ों की, कारों की या यहां मौजूद हर चीज की, ये चीजें तब तक उड़ती रहेंगी जब तक इनका मोशन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक हाई स्पीड बस या कार के अचानक ही रुक जाने पर होता है। मोशन में होने की वजह से आप अचानक बस या कार के रुकने की वजह से आगे या पीछे चले जाते हैं। ऐसा ही हमारी पृथ्वी के अचानक रुक जाने की वजह से होगा, पर यहाँ स्पीड किसी बस या कार से हजारों गुना ज़्यादा होगी। ऐसे में आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसे दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।